जी, मेरा नाम देशना है, मैं तीसरी ब की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है हाथी और चूहे। एक बार जंगल के सारे हाथी खाने की तलाश में दूसरी जगह निकल पड़े। जब सारे हाथी जा रहे थे तो उनके पैरों के नीचे काफी सारे चूहे आके दबके मर गए। उसके बाद सारे चूहों की एक मीटिंग हुई। उन्होंने फैसला किया कि वे हाथियों के सरदार से मिलेंगे और उन्हें इस बारे में बताएंगे ताकि कोई हल निकल सके। चूहों का सरदार मस्ती में जा रहे हाथियों के सामने आके खड़ा हो गया। इतनी हिम्मत, तुम हमारा रास्ता रोकोगे? जीना चाहते हो तो हट जाओ रास्ते से। सर, गुस्सा मत होइए, आप तो पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, हम तो बस अपनी समस्या लेकर आए हैं। हमारे काफी सारे साथी आपके पैर के नीचे आके कुचले गए हैं। अगर आप अपना रास्ता बदल ले तो हम बहुत खुश होंगे। क्या आप ऐसा करेंगे? हमें बहुत दुख हो रहा है, हमें तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तुम इस बात की बिल्कुल चिंता ना करो, हमें रास्ता बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, आपने हमारा मजाक नहीं उड़ाया बल्कि हमारी रिक्वेस्ट मान ली। जरूरत पड़ने पर हम भी आपकी मदद करेंगे, अब हम चलते हैं। यह सुनकर हंसी नहीं आ रही कि ये छोटा सा चूहा हम जैसे बड़े जानवर की मदद की बात कर रहा है। एक दिन रोज के तरह हाथी तालाब में नहाने जा रहे थे, तभी उनको शिकारियों ने जाल में फंसा लिया। हाथी की चिंगार पूरे जंगल में फैल गई। यह आवाज़ सुनकर चूहों को पता चल गया था कि हाथी खतरे में है। वह उसी दिशा में भागने लगे जहाँ से आवाजें आ रही थी। वे हाथियों की परेशानी समझ गए थे और उन्होंने अपने तेज दांतों से उस जाल को काट दिया। हाथियों ने अपनी सूंड उठा के चूहों का शुक्रिया अदा किया और चूहे भी उसकी पीठ पर बैठ के खेलने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, जरूरत पड़ने पर हमारे कोई भी काम आ सकता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।